नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आपको पहले भी जानकारी दी गई थी एडमिशन को लेकर के, यानी कि यहां पर बात हो रही है डीएड स्पेशल एजुकेशन, जिसका एडमिशन भैया आरसीआई के थ्रू होता है। और आरसीआई का जो नोटिस आया था, सर्कुलर आया था, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भैया 5 जून से लेकर के 5 जुलाई तक आपके एडमिशन्स होने वाले हैं। एडमिशन कैसे करवाना है, इस वर्ष क्या हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम होता था आपके एडमिशन के लिए, उस एग्ज़ाम को नहीं कराया जा रहा है। यानी कि इस वर्ष आपका एडमिशन हो रहा है डायरेक्ट। आपको करना क्या है, आपको जाना है सीधा कॉलेज, और कॉलेज जाकर के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका 12th की मार्कशीट हो, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट हो, आपका आधार कार्ड हो, या हम कह सकते हैं आपकी फ़ोटो और आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस, साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कॉलेज जाकर के जो भी वहाँ की फ़ीस है, क्योंकि फीस आपको कॉलेज ही बताएगा, और अगर हम बात कर लें कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की, तो एक साल की 40,000 रुपये आपके प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है। यानी कि कोर्स आपका 2 साल का है, तो 2 साल का आपका 80,000 रुपये, जो कि लीगल फ़ीस आरसीआई के द्वारा है, जो कि आपकी 80,000 है। अगर ऐसे ही हम बात कर लें आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज एक रूल के हिसाब से चलता है, और प्राइवेट कॉलेज क्या होता है कि कहते हैं कि भाई हमारी सीट फुल हो जाएगी, हम अपना एडमिशन बंद कर देंगे। लेकिन आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बिल्कुल कहते हैं कि भैया आप आइए, पहले फॉर्म को अप्लाई कीजिए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में हम बनाएंगे एक मेरिट लिस्ट, और उस, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज सभी को चाहिए, हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको हमारे यहाँ एडमिशन जो है वो मिलेगा। ये है आपके गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज मतलब CRC, यानी कि कंपोसाइट रेंजल सेंटर। और ऐसे आपके नेशनल इंस्टीट्यूट्स, और अगर देखा जाए तो आपके ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको ऑल इंडिया में लगभग में 30 से 35 कॉलेज ही गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं, इससे अधिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके 9 राष्ट्रीय संस्थान, लगभग 20 के करीब में, 20 से 21 के करीब में आपके कंपोसाइट रेंजल सेंटर, यानी कि CRC इसको बोलते हैं, और ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो आपके कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो कम फीस ले सकती हैं आपसे। लेकिन बाकी जितने भी कॉलेज हैं वो हैं आपके प्राइवेट कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो आपकी 40,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट में आपका स्कॉलर आने की संभावनाएं होती हैं, और प्राइवेट में भी आपका स्कॉलर आने की संभावनाएं होती हैं। जिस हिसाब से आपकी फ़ीस का पेमेंट होगा, उस हिसाब से ही आपकी स्कॉलर आती है। अब हम अगर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की, तो भैया जितनी भी लगभग CRC हैं, तो यहाँ पर लगभग 15,000 से 20,000 के करीब में यहाँ पर आपको एक साल की फ़ीस देखने को मिलेगी। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो यहाँ पर लेते हैं भैया सेमेस्टर के हिसाब से पेमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर सेमेस्टर के हिसाब से भी आपका लगभग में इतना ही देखने को मिल सकता है। और आपको ये भी पता है कि अगर मान लिया कि 35 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पर फीस कम पड़ती है, लेकिन स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इन गवर्नमेंट कॉलेजों में आप सभी को पता है कि भैया 75% आपको अटेंडेंस भी चाहिए, साथ ही साथ आपका कह सकते हैं कि जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया जाएगा, आपको क्लासेस नहीं दी जाएंगी, आपसे अटेंडेंस नहीं लगवाई जाएगी। प्राइवेट कॉलेज भी हमारे बहुत अच्छे हैं जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको कराते हैं। और आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो रेगुलर क्लास जा कर के आप किसी भी कोर्स में कीजिए, चाहे वो IDD में कीजिए आप डिप्लोमा अपना, चाहे वो आप HI में कीजिए, चाहे वो आप VI से कीजिए,
लगभग ये तीनों डिप्लोमा आपके बहुत ही बेहतर हैं, आप इनमें से किसी में से भी अपना कोर्स कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, जब ये नोटिस आया था मैंने आपको साफ साफ यहाँ पर बताया था, यहाँ पर दिया गया है देख लीजिए एच पॉइंट जो है, वंस एडमिशन डन नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कोर्स एंड चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन सेल बी, यानी कि इंटर्न बाय द एनबीआर आरसीआई। भैया अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप अपने कोई भी रिक्वेस्ट आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, आप ना ही अपना कोर्स चेंज कर सकते हो और ना ही अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हो, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, किसी एक कॉलेज में जाना है, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, जो भी फीस वहाँ के द्वारा बताई जाएगी वो फीस आपको लेकर के जानी है और अपना एडमिशन सुनिश्चित करवाना है। और ये एडमिशन आप जितना जल्दी हो सके करवा लेंगे, क्योंकि भैया मान लीजिए जिस कॉलेज में आपके आसपास कोई भी कॉलेज है और मान लीजिए कि वहाँ पर अगर सीट्स फुल होती हैं तो आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना पड़ेगा। और एक कोर्स में भैया प्रत्येक कॉलेज में 35 सीटें ही होती हैं, यानी कि अगर आप IDD से करोगे तो उस कॉलेज में केवल 35 सीट, अगर आप VI से करोगे तो उस कॉलेज में आपको 35 सीट, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एडमिशन के लिए आप संपर्क कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके आसपास के कॉलेज हैं लिस्ट आपको RCI की वेबसाइट पर मिल जाएगी, ऑल इंडिया की, और जितने कॉलेज वहाँ पर दिए गए हैं सभी RCI के द्वारा अप्रूव्ड बिल्कुल हैं, उनमें कोई भी संख्या नहीं है कि भैया ये अप्रूव नहीं है। हाँ ये देख लीजिएगा कि वहाँ पर जो आपका सेशन है उसके लिए मान्यता है या नहीं है, आगे की बात नहीं करनी, इस सेशन के लिए मान्यता आपको देखनी है 2023-24 के लिए, उस कॉलेज में मान्यता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, बाद का आपको नहीं देखना है, बाद में आपको कोई मतलब नहीं है, आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा, सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि मान्यताएं जो हैं वो रिन्यूअल होती रहती हैं, ठीक है। तो इतना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और सभी मित्र जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे वीडियो लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।